नेगेटिव एनर्जी की दुश्मन हैं ये चार चीजें। जिस घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है उस घर में आए दिन क्लेश होते हैं, परिवार वालों की सेहत बिगड़ती रहती है, घर में अशांति का एक अजीब सा माहौल होता है। नेगेटिव एनर्जी की वजह से सफाई कम और गंदगी ज्यादा रहती है। जो लोग घर में रहते हैं उनको किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन रहती है। ऐसे में आज हम आपको ऐसी चार चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको नेगेटिव एनर्जी के कुचक्र से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। सूरज की रोशनी और नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाने के लिए अपने घर में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी आने दें। सुबह के समय अपने घर की खिड़कियां खुली रखें। रात में कपड़े ना धोएं। अपने धुले हुए कपड़े धूप में ही सुखाएं। अगर घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है तो अपने घर की ईस्ट दिशा में एक तांबे से बना सूर्य भगवान का प्रतीकात्मक चिन्ह लगाएं। पानी और नेगेटिव एनर्जी। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर के मुख्य द्वार पर पानी भरकर उसमें फूलों की पत्तियां डालकर रख दें। रात में अपने सिरहाने पानी रखकर सोएं और सुबह उसे किसी पेड़ में चढ़ा दें। पानी की बर्बादी भूलकर भी ना करें। पेड़ पौधे और नेगेटिविटी। अपने घर और शरीर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए अपने घर के चारों ओर कई पेड़ पौधे लगाएं। घर के आसपास सूख चुके पौधों को तुरंत हटा दें। हर रोज पेड़ पौधों को पानी दें। नमक और नेगेटिविटी। नमक नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। एक गिलास में पानी भरकर उसमें सेंधा नमक डालकर घर के उस कोने में रख दें जहां आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। एक हफ्ते बाद ये उपाय दोबारा से करें और तब तक करें जब नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। अपने घर से नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए नमक के पानी से पोंछा लगाएं। जो लोग भी अपने शरीर या आसपास में नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव सह नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को घर में एक बाल्टी में पानी भरकर उसमें समुद्री नमक डालकर अपने पैर 10 से 15 मिनट के लिए डुबोकर बैठ जाएं।